नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी इलेक्शन का चुनाव हो चुका है। हम लोगों ने कई सारे वीडियो में ये बताया था कि किस तरह से आम आदमी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी इलेक्शन चुनाव खत्म हो और शबनम के ऊपर बहुत ही जल्द कुछ अपडेट मिले। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ आपको कि यूपी इलेक्शन के बाद शबनम के ऊपर क्या अपडेट है, क्या वाकई शबनम को बहुत ही जल्द फांसी की सज़ा होने वाली है, इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ा है शबनम केस के ऊपर, सब कुछ आपको बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, यूपी इलेक्शन चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की, लगभग 270 से ज़्यादा सीट उसने हासिल की। तो वहीं विपक्षी दल लगभग कह सकते हैं एसपी हो 120 के आसपास, इस तरह से बीएसपी कांग्रेस का तो सफाया हो चुका है, एक या दो सीट पे अटक गए वो लोग। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है कि बीजेपी जीतने के बाद शबनम केस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि अगर बीजेपी वापस आती है तो हो सकता है चौंकाने वाला फैसला सुनने को मिले, हो सकता है शबनम को जो कह सकते हैं फांसी ना हो। जी हाँ, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बीजेपी अगर आई है तो शबनम को फांसी नहीं होगी। इस वजह से शबनम का बेटा ताज काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये भी सोचने लगा है कि अगर बीजेपी आई है तो फिर शबनम को फांसी नहीं होगी, उसकी माँ को फांसी नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब अगर रिजल्ट आ चुका है, सरकार गठन होने वाला है, सरकार गठन होने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहला फैसला, सबसे पहले कौन सा फैसला सुनाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका अपडेट आपको बस हमारा चैनल देता रहेगा। और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है शबनम केस के ऊपर, तो जो लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकता है। तो कल का आने वाला वीडियो एक धमाकेदार वीडियो होगा जो आपको मतलब देखना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं क्या आने वाले समय में शबनम के ऊपर यूपी सरकार जो है वो मेहरबान होती है, योगी सरकार मेहरबान होती है, या फिर फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, ये देखने को आप पूरी तरह से हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।